में बेरोजगारी के कारण उनको अपना वतन छोड़कर नौकरी धंधे की तलाश में मुंबई आना पड़ा। चुनाव में अगर बाटी चोखा के साथ में अगर हम चुनाव की चर्चा ना करें तो ये मान लो कि जितने भी बिहार के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो है लोग बाटी चोखा खाना काफी पसंद करते हैं। लोग यहाँ पर है, मुंबई के लोग यहाँ पर है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं बिहार में चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार कौन जीतेगा? नीतीश सर। क्यों लग रहा है? उन्होंने अच्छा काम किया है इस बार बिहार में, बाढ़ पीड़ित था, बीच में बाढ़ आया तो उनके लिए भी अच्छा काम उम किए हैं नीतीश सर जी ने, और बहुत से काम किए हैं। लेकिन आपको लगता है कि युवा लोग जो है नीतीश को वोट करेंगे? जहाँ तक वो देखा जाए तो करेंगे, मेरे हिसाब से करेंगे। तेजस्वी की रैली में भी बहुत लोग आ रहे हैं। तेजस्वी जी सिर्फ राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं उनका सामने आता है, और उनके पिताजी का तो आप सब मीडिया में सब लोग जानते हैं कि उनका काम कैसा रहता है। लेकिन इस हिसाब से जिस हिसाब से नीतीश जी काम किए हैं बिहार में, ये बहुत अच्छा काम किए। और भी लोग हमारे साथ में, ये बताइए कि जो है लोग कितने बाटी चोखा पसंद करते हैं मुंबई के लोग? 80% 80% लोग बाटी चोखा पसंद करते हैं यूपी वाले। हाँ, बिहार के लोग ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी तो बहुत आते हैं खाने के लिए। हाँ, बहुत जन आते हैं, ऑटो वाले रिक्शे वाले, सस्ता भोजन रहता है इधर, इसके लिए आते हैं। और क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में क्या होगा? बिहार के चुनाव में नीतीश जीतेंगे। सुना थी इनका यही कहना है कि बिहार के चुनाव में जो है इस बार नीतीश कुमार के जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं जो लिट्टी चोखा खा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मानना है कि इस बार जो है चुनाव में कौन जीतेगा। बिहार अभी तो कुछ भी फिक्स बोल नहीं सकते कौन जीतेगा, फिर भी जहाँ तक चांसेस जो आरजेडी के ही लग रहे हैं। आरजेडी का आपको लगता है कि लालू ने कुछ काम किया था वहाँ 15 साल पहले? मैडम, काम तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया है समझे, कम से कम लालू फेमस तो था, उसने तो कुछ, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया है। और आज आप पूरे देश में देख रहे हैं जितनी बेरोजगारी है, जितनी आर्थिक मंदी है, पूरी दुनिया का आप स्टेटस उठा के देख लीजिए आज हिंदुस्तान की पोजीशन कहाँ पे है। मानना है कि जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब चुनाव जब आते हैं तभी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो है कुछ भी नहीं होता।